हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं एलो मनाती और हम शुरू करते हैं आज एंड्रॉइड 11 के बारे में। एंड्रॉइड 11 जो है उसका जो डेवलपर प्रीव्यू है वो इसी साल फरवरी में स्टार्ट हुआ था और अभी देखेंगे आप लोग इसका प्रीव्यू फॉर डेवलपर फोर्थ वर्जन जो है वो रिलीज हो चुका है और इसका जो बीटा रिलीज है मोस्ट प्रोबेबली वो जून में अवेलेबल होगा और Q3 में इसका फाइनल जो रिलीज है वो लॉन्च किया जाएगा। ये जो डिवाइस है यानी कि अभी जिस पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिर्फ पिक्सल, गूगल के जो पिक्सल डिवाइसेस हैं पिक्सल 2 एंड अप, उन पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप प्रीव्यू फॉर डेवलपर यूज़ करें, बीटा रिलीज होने पे डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिस्क पर। क्या क्या नए बेनिफिट्स हैं ये देखते हैं। तो एंड्रॉयड जो वर्जन है आर यानी कि एंड्रॉयड 11 में आपको क्या मिलता है, तो जो परमिशंस है उसमें आपको ओनली दिस टाइम का जो नया एडिशन है वो मिल जाता है, तो आप ओनली दिस टाइम भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर अवेलेबल हो गया, यानी कि अब आपको थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग यानी कि अगर आपको कुछ डिटेल्स वगैरह शेयर करनी है अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हुए तो थर्ड पार्टी पे आप निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, तो वो फ्री जो है इसमें इन बिल्ट है और वो आप इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें आप डार्क थीम को शेड्यूल कर सकते हैं, यानी कि जब भी आप चाहें दिन में, रात में, सुबह शाम, जब भी आप चाहें आप डार्क थीम को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ऑन या ऑफ कर सकते हैं। चैट हेड बबल्स इसमें ऐड किए जाएंगे जिसमें कोई भी आपके पास नोटिफिकेशन आता है बबल के रूप में आपको मिलेगा। ये और ज़्यादा जो है वो आपको एनिमेटेड और बेटर मिलेगा एंड्रॉइड 11 में। मोशन सेंस जेस्चर को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज किया गया है क्योंकि अभी तक सिर्फ आप बैक या फिर स्वाइप करके अपने ऐप्स को क्लोज या फिर बैक जाके या फॉरवर्ड जा सकते थे, लेकिन अब आप अपने म्यूजिक प्लेयर्स को भी इससे मैनेज कर पाएंगे, यानी कि आप जब शेक करेंगे या स्वाइप करेंगे तो आपका जो सॉन्ग है, ट्रैक है, वो चेंज हो जाएगा या बैक आप कर सकेंगे। शेयर मेन्यू पिनिंग वाला एक नया इम्प्रोवाइज्ड ऑप्शन इसमें दिया गया है जिसमें जब भी आपको कोई फाइल्स वगैरह शेयर करनी है या फोटोग्राफ शेयर करनी है तो उसमें अभी काफ़ी लिमिटेड आपके पास ऑप्शन होते थे, लेकिन 11 में बताया जा रहा है कि इसमें आपको और ज़्यादा बेहतर और जो लास्ट आपने शेयर किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप पर अपने फोटोज ज़्यादा शेयर करते हैं तो जैसे ही आप शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप प्रायरिटी पर पॉपअप होकर आपके पास आ जाएगा। रिवर्स चार्जिंग भी कह रहे हैं कि अवेलेबल होगा लेकिन ये लिमिटेड डिवाइसेस पे होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि वायरलेस रिवर्स चार्जिंग जो गूगल पिक्सल 5 में हो अवेलेबल, उससे आप किसी भी दूसरे फ़ोन में जो कि वायरलेस चार्जर सर्टिफाइड है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, वो आप इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये प्री डिफाइंड है, प्री एम्बेडेड है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको मिलते हैं एंड्रॉइड 11 में बीटा रिलीज में, और कुछ नए एडिशंस ऐड होंगे डेफिनेटली जो फाइनल रिलीज से पहले आएंगे, तो जब भी वो अवेलेबल होंगे आपको उनकी और जानकारी दी जाएगी। तो मुझे आप बताइए कि आपको और क्या फीचर्स चाहिए ताकि हम प्रयत्न कर सकें कि वो फीचर्स ऐड हों गूगल के एंड्रॉइड 11 वर्जन में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाओ।